आरसीबी आज तक आईपीएल टाइटल भले ना जीती हो, लेकिन इनसे ज़्यादा लॉयल फैन शायद ही किसी दूसरी टीम के होंगे, और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है विराट कोहली, द रन मशीन कोहली। इस सीजन का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि लगातार पिछले 3 सीजन से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर रही टीम इस सीजन प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाई, और आने वाले ऑक्शन में किस स्ट्रेटजी के साथ टीम उतरना चाहेगी, इस पर भी बात करेंगे। चलिए, मैं हूं सिद्धार्थ और एक बार फिर से हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रिकेट की बात विद सिड में। दोस्तों, क्रिकेट की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। सबसे पहले बात करेंगे सीजन समरी की। आरसीबी ने कुल 14 मुकाबले खेले, जिनमें 7 मैच में उनको जीत तो वहीं 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। मतलब सीजन ठीक ठाक सा रहा, लेकिन टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसका सबसे बड़ा कारण था सिर्फ कुछ सीमित खिलाड़ियों का ही परफॉर्म करना। विराट, फाफ, मैक्सवेल और सिराज, इन 4 प्लेयरों के ही कंधों पर पूरी टीम की जिम्मेदारी दिखी। इनका आखिरी मैच गुजरात टाइटंस से था, वहां भी ये जीत ना पाए, नहीं तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाते। इनका नेट रन रेट मुंबई इंडियंस से अच्छा था। इनके बेस्ट प्लेयर की बात करें तो जो नाम सबसे ऊपर निकल के आता है वो खुद कप्तान फाफ डुप्लेसिस, जिन्होंने 14 मैच में 56 की एवरेज से कुल 730 रन बनाए। इस सीजन इनका स्ट्राइक रेट 153 का रहा। ऑरेंज कैप की रेस में ये दूसरे स्थान पर रहे, वहीं सबसे लंबा छक्का और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्के का अवार्ड भी इन्हीं को मिला। वहीं अगले बेस्ट प्लेयर की बात करें तो विराट कोहली, द रन मशीन कोहली। विराट कोहली ने 14 मुकाबलों में 53 की एवरेज से कुल 639 रन बनाए, जिसमें 2 बैक टू बैक शतक भी शामिल है। विराट कोहली इस सीजन 139 के शानदार स्ट्राइक रेट से खेले। आरसीबी के लिए अगले बेस्ट प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल है। ग्लेन मैक्सवेल ने पूरे सीजन में 183 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इन्होंने 14 मुकाबले में कुल 400 रन बनाए, इसलिए इलेक्ट्रिक स्ट्राइक ऑफ द सीजन का अवार्ड भी इन्हीं को मिला। अगले बेस्ट प्लेयर की बात करें तो मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने 14 मुकाबलों में कुल 19 विकेट चटकाए और इकोनॉमिकल भी रहे। इनकी इकोनॉमी 7.5 से भी नीचे रही, लेकिन अन्य गेंदबाजों से इनको 7 नहीं मिला। पॉजिटिव की बात करें तो आरसीबी के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा विराट कोहली की फॉर्म। फिर से एक बार वही 2016 वाली कहानी। जैसा कि हम सबको पता है कि पिछले कुछ सीजन विराट कोहली की फॉर्म नदारद थी, ऐसे में विराट कोहली का फॉर्म में होना इससे बड़ा पॉजिटिव टीम के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरे पॉजिटिव की बात करें तो कप्तान फाफ डुप्लेसिस। फाफ डुप्लेसिस ने सीएसके के लिए आईपीएल में बहुत सी पारियां खेली है, लेकिन तब इनका स्ट्राइक रेट उतना नहीं हुआ करता था। पूरे सीजन में 153 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। वहीं पहले ये स्पिन के खिलाफ सस्ते भी थे, अब स्पिन के खिलाफ भी इनका स्ट्राइक रेट बढ़ गया है और इनके बैट से बहुत छक्के निकल रहे हैं। टूर्नामेंट में कुल सबसे ज़्यादा 36 छक्के लगाए इन्होंने। सेटबैक की बात करें तो सबसे ऊपर जो नाम निकल के आता है वो है दिनेश कार्तिक का। दिनेश कार्तिक ने पूरे सीजन में 13 मुकाबलों में 16 की एवरेज से कुल 140 रन ही बनाए। टीम ने इन पे भरोसा जताया था कि एक बार फिर से ये हमें फिनिशर का रोल निभा के देंगे। टीम इनके साथ बनी भी रही, लेकिन पूरे सीजन ही इन्होंने निराश किया। सेटबैक की बात कर रहे हैं तो एक और इंडियन नाम ऊपर निकल के आता है, शहबाज अहमद का। शहबाज अहमद ने पूरे सीजन में सिर्फ एक ही विकेट चटकाया और उन्होंने 6 इनिंग में 107 के स्ट्राइक रेट से कुल 42 रन ही बनाए। यह प्रदर्शन टीम के लिए बहुत ही निराशाजनक था। इनके लिए अगले सेटबैक रहे वनेंदु हसरंगा। हसरंगा ने 8 मुकाबलों में 9 ही विकेट चटकाए। इनकी इकोनॉमी भी 9 के करीब रही। बल्लेबाजी में भी कुछ खास न करते हुए 117 के स्ट्राइक रेट से 33 रन ही बना पाए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की। क्या आरसीबी केजीएफ पर ही डिपेंड थी? जी बिल्कुल। आरसीबी की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डुप्लेसिस पर वो इतना डिपेंड थे कि अगर ये तीनों मिलके शुरुआत के 10 ओवर में 120 रन बना दें, तब भी पूरी टीम 20 ओवर में 200 रन नहीं बना पाती थी। जबकि कोई अन्य टीम होती तो वहीं 230 या 240 का आंकड़ा देखती। अगला क्वेश्चन है कि क्या माइकल ब्रेसवेल को कम मौके मिले? मेरे हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि
अगर हसरंगा फॉर्म में नहीं थे तो माइकल ब्रेसवेल एक अच्छे स्पिनर के साथ एक अच्छे बैट्समैन भी हैं, और आरसीबी की बैटिंग लाइनअप विराट, फाफ और मैक्सवेल के बाद ख़त्म हो जाती थी। वहीं माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के लिए कैसी पारियां खेलते हैं ये हम सब ने देखा है। माइकल ब्रेसवेल को अगर और मौका मिला होता तो शायद से टीम क्वालिफाई भी कर जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इन्होंने अपने डोमेस्टिक प्लेयर को कम मौके दिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने डोमेस्टिक प्लेयरों को भरपूर मौके दिए। हम अनुज रावत की बात कर लें, महिपाल लोमरोर की बात कर लें, विजय कुमार वैशाख की बात कर लें, शहबाज अहमद की बात कर लें, इन्होंने मौके तो भरपूर दिए लेकिन इनके डोमेस्टिक प्लेयर उस पर खड़े ना उतर सके। आने वाले ऑक्शन की स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले टीम को एक अच्छे फिनिशर की ज़रूरत है। वहीं दिनेश कार्तिक का विकल्प भी टीम को ढूंढना पड़ेगा। पिछले ऑक्शन में दिनेश कार्तिक पर टीम ने इतना भरोसा जताया कि उनका बैकअप भी टीम में न रखा और बुरी तरह से मार खा गए। साथ ही स्पिन डिपार्टमेंट पर भी काम करना चाहेगी टीम। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो में मुझसे कहीं गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।